Hello, students. Uh, we are learning our chapter that is the light reflection and refraction. already we learned many terms. Uh, in last video we learn about the difference between real image and virtual image, and also we learn about the properties of image formed by a plane mirror. Also we learn about the types of the mirror. That is the two types of a mirror. One is the concave mirror and another one is the convex mirror. Okay, students. So now if you see here a uh, picture on a screen so here is the image of a concave mirror you can see here a silver surface uh, silver surface part you can see over here and uh, so that that is the silver surface part so this lining this this all lining is the silver surface and actually uh, this lining this is the reflecting surface of our concave mirror hmm? so if you see it see concave mirror properly then we can see uh, that in a concave mirror concave mirror actually कौनके मिरर इज दैट द पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर ओके तो ये, ये पूरा का पूरा जो स्पेयर होता है तो स्पेयर का ये जो छोटा सा पार्ट है जो कि आपको ए और बी करके जो दिखाई दे रहा है तो ये ए और बी का जो पार्ट है आपका ए और बी जो दिखाई दे रहा है आपको तो ये ए बी जो पार्ट है वो कॉनके मिरर का एक पार्ट है तो कौनके मिरर ये हम जो टुकड़ा लेंगे ए और बी का जो कर्व है ए पी बी करके ओके सो एक कॉन्र का एक पार्ट होगा तो उसका जो सेंटर होता है सेंटर हियर यू कैन सी हियर दैट इज कॉल्ड एज अ पोल उसको हम क्या कहते हैं पोल कहते हैं सो so, ये पार्ट हो गया यहाँ पर ये हो गया आपका पोल सो so, सेंटर सो so, पोल की हम डिपनेशन करेंगे इट इज द मिडल पॉइंट ऑफ पी ऑफ द स्पेरिकल मिररर तो कोई भी अगर स्पेरिकल मिररर हम लेते हैं एक्चुअली अगर हमने कॉनके ले ली या कॉन्वेक्स ले ली कोई भी पेरिकल मिरर ली और उसका अगर हम सेंटर लेते हैं और मिडल पॉइंट लेते हैं तो दैट वी कॉल एज अ पोल उसको क्या कह सकते हैं हम पोल कह सकते हैं तो ये जो पोल होता है हुँ? तो पोल से ही बिल्कुल परपेंडिकुलर एक, एक बिल्कुल प्रिंसिपल एक इमेजनरी लाइन हम इमेजिन करते हैं एंड दैट वी कॉल एज अ प्रिंसिपल एक्सिस उसको हम कह सकते हैं तो ये जो पी एफ सी करके जो लंबी सी लाइन दिख रही है यहाँ पर ये वाली तो इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस व्हाट वी कॉल एज प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली ये दिखती वगैरह नहीं तो इसको हम इमेजिनरी लाइन मानते हैं वाई भी इमेजिनरी लाइन मानते हैं क्योंकि जब भी इस प्रिंसिपल ये मिरर पर फोकसिंग होता है तो यहाँ पर इस लाइन से यहाँ पर एरोज होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारे अगले प्रॉपर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है पी एफ सी इज द प्रिंसिपल एक्सेस तो ये होगा आपका प्रिंसिपल एक्सेस देन ये जो ए बी करके ए से लेकर नीचे बी तक होगा है, इसको हम कहेंगे लीनियर एपरेचर इसको हैं कहेंगे हम लीनियर एपरेचर और यहाँ पर ये जो स्पेरिकल मिरर है कंप्लीट जो स्पेरिकल मिरर होगा हमगाना यहाँ से यहाँ तक का इसका अगर हम सेंटर ले ले तो इमेजिन हम मानते कंप्लीट तो इस कंप्लीट का अगर सेंटर ले लें ये आएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो पॉइंट सी आएगा हमारा तो इसको कहेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया हमारा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो जहाँ पर यहाँ पर अपर्चर होगा तो अपर्चर में दो टाइप्स के अपर्चर होते हैं एक होगा आपका लीनियर अपर्चर और दूसरा होगा यहाँ पर आपका एंगुलर अपर्चर लिनर अपर्चर मतलब ए से बी तक बिल्कुल खड़ी लाइन में यहाँ पर ये होगा ये होगा हमारा अपर्चर और यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ पर होगा तो ये होगा यहाँ पर देखो ये होगा हमारा एंगुलर अपर्चर तो ये कुछ डेफिनेशन से इम्पॉर्टेंट है इफ यू लर्न द स्पेरिकल मिरर और कौन और कॉन्वेक्स मिरर हम सीख रहे हैं तो ये कनेक्शन है विद द स्पेरिकल मिरर के साथ तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो point है कि ये है focus. तो focus point ये जो है तो होता है तो अगर हम ये इमेज ले लें कॉन और ओर कॉन्वेक्स इमेज जब हम लेते हैं कॉनके और कॉन कॉन्वेक्सपेरिकल मिरर जब हम लेते हैं तो उसमें जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको कि मैंने एक कॉनके मिरर ली थी और उससे फोकस होके हमें एक उल्टी इमेज दिख रही थी कैंडल की फ्लेम की स्क्रीन पर, तो, यहां पर तो, तो यहाँ पर ये जो फोकस तो वो जो फोकस होता है तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर हम इन इमेज ऑप्टेन की थी वो उसकी क्या थी रियल इमेज थी तो वैसे ही जब हम किसी कॉनकेव मिरर को लेते हैं कॉनकेव मिरर को ध्यान से मेरे वर्ड सुनना कॉनकेव मिरर को लेते हैं और कॉनकेव मिरर से कोई भी इमेज जब हम ऑप्टेन करते हैं किसी स्क्रीन पर तो वहां पर जहां पर इमेज वो क्लियरली दिखाई देती है तो उस पॉइंट का होता है हमारा फोकस पॉइंट तो जैसे क्या होगा कि यहाँ से सारे जो लाइट रेज आएंगे और लाइट रेज आने के बाद यहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे इस एक ही फोकस पॉइंट में इस एक ही फोकस पॉइंट में क्या हो जाएंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो यहां पर जो रिफ्लेक्टिंग सेंटर होता है उसका तो ये होता है हमारा फोकस पॉइंट ये होगा हमारा कौन सा फोकस पॉइंट होगा और इसी कहीं डिनोट किया जाता है एफ से सो दैट इज आवर फोकस पॉइंट सो इट इज डेनोटेड ऑफ एफ और यहां पर पी और एफ से लेकर जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहेंगे यहां पर फोकल लेंथ तो ये गया आपकी यहां से पी और एफ का जो डिस्टेंस होगा इसको हम कह सकते हैं यहां पर फोकल लेंथ ये हमारी फोकल लेंथ है स्टूडेंट्स तो ये फोकल लेंथ आएगी आपके हमारी तो पी एफ का जो डिस्टेंस होता है स्पेरिकल मतलब से तो ये पॉइंट तो तो और बातें हमें ध्यान में रखनी है कि क्या है और क्या नहीं है तो यहां पर हमारे पास दो मिरर दो टाइप्स की मिरर होती है जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो कि ये है आपकी ये यहाँ पर ही यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और फोकसिंग यहाँ पर हो रहा है तो ये है हमारी कॉनकेव मिरर कौन सी है कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में सारे यहाँ पर एक जगह पर फोकसिंग आ रहा है इस जगह पर और ये हमारा पोल है जैसे कि रेज आते हैं और यहाँ पर रियल फोकस दिया है यहाँ पर रियल फोकस क्यों दिया है क्योंकि यहाँ से जो हम हमारी इमेज आएगी वो हम क्या सकते कर सकते हैं स्क्रीन पर ऑप्टेन कर सकते हैं इसलिए हम कहेंगे इसको रियल फोकस ओके और उसके साथ अगले वाली जो इमेज है तो यहाँ पर ये हमारी है हमारी कॉन्वेक्स मिरर कौन सी हमारी कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में जो ये देखो ये, ये वाला सिल्वर सरफेस है यहाँ पर और ये वाला सिल्वर सरफेस है और ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते तो यहाँ पर जो सारे रेज होते हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं बाहर की तरफ जाने की वजह से यहाँ पर इसका फोकस मतलब इसमें जो इमेज दिखती है वो अंदर की तरफ दिखती है अगर जैसे कि मैंने आपको कहा था स्पून देखा और स्पून को अगर आप जब आप उल्टा करके देखते हैं तो उसके अंदर आपको आपकी छोटी सी इमेज दिखाई देगी जैसे कि यहां पर मैं एक स्पून पर आ, स्पून लेकर आपको दिखा सकता हूं उसके बाद में जब हम एक छोटा सा स्पून लेते हैं और स्पून में जब हम इमेज को देखते हैं तो यहाँ पर उस तरह तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो इमेज है तो ये दिख रहा है आपको ये है हमारी कॉन्वैक्स मिरर तो कॉन्वैक्स मिरर अगर स्पून में देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा तो स्पून में अगर आप जब देखते हैं तो स्पून में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आप मैं स्पून में दिखाई दे रहा आपको तो देखो यहाँ पर मेरी इमेज पूरी की पूरी स्पून मेरे बहुत पास में है फिर भी मोबाइल यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको और मोबा बीच में मोबाइल और ऊपर ऊपर देखेंगे तो मेरी इमेज दिखाई देगी आपको थोड़ी से रेड कलर का टी शर्ट मैंने पहना है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो स्पून में मेरी इमेज दिखाई दे रही है आपको ये दिखाई देगी बिल्कुल सीधी आपकी तो इसमें जो इमेज दिखती है इसके अंदर तो इसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज ये वर्चुअल इमेज होगी तो स्पून अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्पून का जो ये जो पार्ट होता है ये वाला तो ये होता है हमारा कॉन्केव मिरर का पार्ट जो कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ पर मैं अंगूठा टकटका रहा हूँ टिक कर रहा हूँ तो ये होता है हमारा कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस और यहाँ पर ये जो दूसरा वाला सरफेस होता है तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यहाँ पर मोस्टली स्पेरिकल मिरर के बाद जब हम सीखते हैं तो इसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिररर देखते आ, सीखेंगे हम तो यहाँ पर ये यह होता है तो यहां पर इसका अगर ये मिरर का हम पार्ट मान लेते कि ये एक मिरर है ये हमारे क्या है? एक मिरर है तो इसका जो सेंटर यहाँ पर आएगा इसको हम कहेंगे पोल इसको कहेंगे हम पोल और यहां से एक जो इमेजनरी लाइन यहां से एक इमेजनरी लाइन हम क्या करेंगे ये देखो तो यहां से इससे एक इमेजनरी लाइन जो मेरे अभी उंगली दिख रही है एक इमेजनरी लाइन मान लेते हैं उसको तो इसको हम कहेंगे हम प्रिंसिपल एक्सेस तो ये सेंटर बिल्कुल पॉइंट पी से जहाँ पर मैं उंगली रहा हो वहाँ से पी से बिल्कुल एक सीधी लाइन जिसको हम इमेजनरी लाइन मानते हैं तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सेस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन में तो इसे हम कहेंगे देखो एपर्चर इसको क्या कहेंगे हम एपर्चर कहेंगे और यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सेस होगा वहाँ पर हमारा एंगुलर अपर्चर होगा जैसे कि हमने हमारे पिक्चर्स में ड्राइंग में देखा था और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पर ये अगर कर होता है तो इसको पूरा बनाकर एक सर्कल हो सकता है तो उसका जो सेंटर यहाँ तक कहीं पर आएगा उसको हम कह सकते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और ओके यहाँ पर जब लाइट टॉर्च वगैरह गिरती है तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टिंग रेज आते हैं तो एक पॉइंट में यहाँ पर दिखाई देते हैं उसको हम रियल फोकस कहते हैं लेकिन जब हम ये वाला सर्वेस रहते तो ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर का सरफेस तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग रेस क्या हो जाएंगी दूर दूर जाएंगी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे दूर दूर जाएंगे तो यहाँ पर इसके अंदर हमें क्या होगा किसी भी चीज़ की इमेज दिखाई देगी जैसे कि यहाँ पर मेरी इमेज दिखाई देती है उसके अंदर अगर आप देख सकते हो ध्यान से तो मेरी वाली आ, मेरी इमेज दिखाई देगी थोड़ा सा एक ठीक से नहीं हो रहा है तो यहाँ पर इधर से दिखाता हूँ मैं थोड़ा लाइट में आके दिखाऊंगा आपको तो यहाँ पर देख सकती आप मेरी वाली इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है यहाँ पर तो ये जो इमेज दिखाई देती है इसके अंदर की ये होती है हमारी वर्चुअल इमेज ओके स्टूडेंट्स सो ये हो गया हमारा इस टॉपिक का पार्ट तो यहां पर हमने कुछ कंसेप्ट सीखे आज यहां पर तो पहले हमने कंसेप्ट ये वाली सीखी कि पोल क्या होता है तो हमने जाना कि पोल क्या होता है तो पोल पोल जो होता है हमारा ये पोल पोल होता है हमारा मिडल पार्ट ऑफ स्पेरिकल कॉनकेव ले लो या कॉन्वेस्ट ले लो उसका मिडल पार्ट होता है हमारा पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है एक अगर स्पेरिकोल मिरर को हम बड़ा सा एक स्पेयर मान लें तो उस स्पेयर का जो सेंटर आएगा उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा हमारा देखो कि पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब पी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस होगा हमारा एक इमेजनरी लाइन लेंगे हम इमेजनरी लाइन लेंगे पोल से स्वेरिकल मिरर के सेंटर में से तो इसको कहेंगे हम प्रिंसिपल एक्सेस लीनियर अपर्चर क्या होगा जो हमारा स्ट्रेट लाइन थी आपको डायग्राम रिफर करना है वीडियो में जो डायग्राम हमने दिखाई है तो उसको हम रिफर करेंगे तो ये होता है हमारा लीनियर अपर्चर एंगुलर अपर्चर क्या होता है तो भी हमने डायग्राम में देखा था प्रिंसिपल फोकस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल फोकस मतलब जहाँ पर सारे रेज रिफ्लेक्टिंग रेज क्या होते हैं एक जगह पर मिलते हैं दैट पॉइंट वी कॉल एज अ प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ क्या होती है यस फोकल लेंथ होती है पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक का जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ और लास्ट वाला टॉपिक है फोकल प्लेन तो फोकल प्लेन क्या होता है कि प्रिंसिपल पोल से लेकर प्रिंसिपल एक्सेस तक अगर हमें एक परपेंडिकुलर लाइन डाल ले और एक ऐसा प्लेन मान ले बिल्कुल सीधा सा उसको हम कह सकते हैं फोकल प्लेन तो so, ये वाले जो कनेक्शन है ये कुछ डेफिनेशन है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल लर्निंग द स्वेरिकल मिरर तो स्पेरिकल मिरर सीखते वक्त ये कुछ डेफिनेशन है दैट आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस तो यहाँ पर ये सारे जो टर्म्स है दैट आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट वेन एवर यू लर्न द स्वेरिकल मिरर तो यहाँ पर फोकस के बारे में बताता हूँ फोकल प्लेन के बारे में तो फोकल प्लेन में मतलब यहाँ पर ये देखो ए बी को अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टली बढ़ा देते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ तो यहाँ पर जो ये बनेगा उसका यहाँ पर ऐसे बढ़ा देंगे यहाँ पर और या ऐसे बढ़ा देंगे इस साइड में तो यहाँ पर एक प्लेन बन जाएगा यहाँ पर तो इस प्लेन को हम कह सकते हैं फोकल प्लेन तो ये कुछ टर्म्स हैं तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट वाली टर्म्स ये है कि यू शुड नो द सेंटर ऑफ कर्वेचर यू शुड नो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है

That important definition. So I am sharing that uh, photo uh, images also with you. So learn that video. Uh, learn learn that terms carefully. And if you still doubt, then you may ask ask to me. Okay. The next topic we will learn in the next video. Okay. Thank you. Thank you so much. ओके स्टूडेंट सो वी लर्न लर्न द कंसेप्ट दैट इज दोल वॉट दोल हमने सीख लीसोर्न द रेडियो सेंटर ऑफ करवेचर रेडियोसर्वेचर क्या होता है ये भी हमने जाना दैटो वी नो दैट द प्रिंपल एक्स क्या होता है नीनियर अप्रेचर क्या होता है एंगुलर अप्रेचर क्या होता है ये भी हमने जाना प्रिंसिपल फोकस जहाँ पर सारे रिफ्लेक्टिंग रेज एक साथ आते हैं तो दैट इज कॉलेज प्रिंसिपल फोकस ये हमने जाना सो फोकल लेंथ भी हमने जान ली क्या होता है फोकल प्लेन क्या होता है ये भी हमने जान लिया तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो एक रिलेशन आता है दैट रिलेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट इज रिलेशन बिटवीन एफ तो ये स्मॉल एफ जो होता है दैट वी कॉल एज अ फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ एक्चुअली क्या होती है कि अगर हमने मान लिया ये है आपका ये है आपका कॉन्केव मिरर देखो ये उसका सिल्वर सरफेस है मतलब जहाज से रिफ्लेक्ट नहीं होंगे रेज आने वाले लेकिन ये वाला जो सरफेस है अंदर की तरफ का तो ये होगा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यहाँ पर इसका जो सेंटर होगा बिल्कुल सेंटर यहाँ पर तो ये होगा हमारा पोल और यहाँ पर अगर एक लाइन खींच लेते हम पूरी की पूरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो ये स्ट्रेट लाइन होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सेस तो यहाँ पर ये अगर पूरा सर्कल बना देते हैं तो इसका एक सेंटर आएगा जिसको हम कह सकते यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर जब भी रेज इस पर गिरते हैं और रेज गिरने के बाद इससे ये रिफ्लेक्ट हो जाती है क्या हो जाती है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट में आ जाती है यहाँ पर ठीक है तो ये एक जो पॉइंट पे यहाँ पर ये सारे के सारे रेज आ जाते हैं तो वो जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं फोकस ठीक है इसको कैपिटल एफ से डेंडो करते हैं तो यहाँ पर ये फोकस पॉइंट होता है और P से लेकर मतलब पोल से लेकर फोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है ये होता है हमारी फोकल लेंथ ये होती है हमारी क्या होती है फोकल लेंथ पी एफ यहां पर होगा हमारा फोकल एक मिनट ये हो गया हमारी फोकल लेंथ पी एफ होगा हमारा फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक रिलेशन है हु? तो ये क्या रिलेशन है तो देखो ये जो फोकल लेंथ होती है मतलब पी एफ़ और एफ सी ये जो डिस्टेंस होता है तो पी सी से बिल्कुल आधा डिस्टेंस होता है पी एफ़ का इसका अर्थ यह हुआ हमारा कि फोकल लेंथ जो हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और ये होते हैं आर ऑ पॉइंट टू आर आ टू मतलब यहाँ पर हुआ फोकल लेंथ इज इक्वल टू होगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय टू तो फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधी होती है दैट इज द डिवाइड बाय टू होती है तो यहाँ पर अगर हम ये लेते हैं तो ये मैंने कौ, कौनके मिरर के लिए दिखाया मतलब पीसी से आधा पीसी क्या है यहाँ पर हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है उससे आधी होगी यहाँ पर ये यह पी एफ मतलब फोकल लेंथ होगी सो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन स्पेरिकल मिरर में ऐसा होता है कि फोकल लेंथ हमेशा ऑफ कर्वेचर से आधी होती है हाफ होती है सो वी कैन राइट हियर दैट फोकल लेंथ दैट इज स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू दैट इज फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियोसॉफ कर्वेशर डिवाइडेड बाई टू तो इसमें समझने वाली बात यह है कि फोकल लेंथ हमेशा रेडियोसॉफ कर्वेशर से आधी होती है ओके okay?